दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में 10 सिरों वाले दुष्ट पापी असुर की छवि घूमने लगती है और यही वजह है कि हर गली कुच्चे में आपको राम नाम का एक नेक इंसान तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रावण नाम के शख्स को ढूंढने जाएंगे तो जिंदगी बीत जाएगी लेकिन शायद ही कोई आपको इस नाम का व्यक्ति मिले, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका नाम रामायण काल से लेकर अब तक इस दुष्ट के तौर पर पहचाने वाले असुर के नाम पर पड़े। तो दोस्तों, अब तक आप रावण के बारे में सिर्फ वही चीजें सुनते आ रहे हैं जो उसे रामायण की कहानी का विलेन बनाती हैं। शायद इसीलिए लोगों को ये पता ही नहीं है कि असल मायनों में रावण क्या था, वे कितना ज्यादा बुद्धिमान था। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि क्रोधित होकर रावण ने शनि देव तक को बंदी बना लिया था? इसके अलावा भी रावण के बारे में ऐसी बहुत सी अनकही कहानियां हैं दोस्तों, जिनके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। रावण ने किया था दोस्तों भगवान राम के लिए यज्ञ। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका तक जाने के लिए वानर सेना की मदद से पुल का निर्माण किया था, पर क्या आपको मालूम है कि ये जो पुल बनाया गया था ये अकेले वानर सेना की मदद से नहीं बना था, बल्कि इसमें रावण का भी योगदान था। असल में पुल बनाने से पहले सभी ने भगवान शिव की आराधना करी, क्योंकि भगवान राम शिव जी के आशीर्वाद के बिना इस काम को शुरू नहीं करना चाहते थे। अब यज्ञ करने के लिए एक विद्वान पंडित की जरूरत थी और रावण जितना ही शक्तिशाली था उतना ही विद्वान भी था, और इसीलिए भगवान राम ने रावण को यज्ञ के लिए आमंत्रण भेजा, क्योंकि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इसीलिए रावण भगवान शिव के लिए किए जाने वाले यज्ञ को नकार नहीं पाया और फिर रावण ने रामेश्वरम जाकर यज्ञ को बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न किया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यज्ञ पूरा होने के बाद जब राम जी ने विद्वान पंडित रावण से आशीर्वाद मांगा तो रावण ने भी एक पंडित होने के कर्तव्य को निभाते हुए राम को तथास्तु भी कह दिया था। रावण ने माता सीता को स्पर्श क्यों नहीं किया? दोस्तों, अक्सर लोग मन में ये सवाल लाते हैं कि जब रावण माता सीता को बंदी बनाकर ले ही गया था तो उसने उन्हें क्यों नहीं छुआ, यानी कि उनके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी या फिर जबरदस्ती क्यों नहीं की। अब इस चीज के जवाब में कई सारे लोग ये सोचते हैं कि रावण की अच्छाई थी कि उसने माता सीता का हरण करने के बावजूद उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें छुआ तक नहीं। पर इस कहानी के पीछे का एक और पहलू है जो हमारे पुराणों में ही छुपा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि रावण महिलाओं को लेकर काफी कमजोर हुआ करता था और अपनी इसी कमजोरी के चलते जब रावण ने नल कुबेर की पत्नी के साथ गलत करने की कोशिश की, नल कुबेर की पत्नी ने उसे श्राप दिया था कि रावण अपने जीवन में किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ छूने की अगर कोशिश भी करेगा तो उसका नाश हो जाएगा। और यही कारण था कि रावण ने सीता का हरण करने के बाद भी उनसे दूरी बनाकर रखी, वरना तो लंका के राजा रावण के लिए जितना ही आसान सीता का हरण करना था उससे कहीं ज्यादा आसान उन्हें अपनी पत्नी बनाना था। लेकिन रावण हमेशा सीता की मर्जी का इंतजार करता रहा ताकि उसे और उसके साम्राज्य को कुछ ना हो। शनि देव को बनाया बंदी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्योतिष विद्या और ज्योतिष शास्त्र में यकीन है तो आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि उनमें ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका सीधा असर उस इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे में परम ज्ञानी होने के नाते रावण को भी ग्रहों की स्थिति का बड़े अच्छे से पता था, इसीलिए रावण ने अपनी शक्ति के बल पर नवग्रह को आदेश दिया कि जब रावण के बच्चे का जन्म हो तो सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रहना है। कहा जाता है कि सभी ने रावण की इस बात को मान भी लिया था, लेकिन शनि देव रावण की इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और जाकर 12वें स्थान पर बैठ जाते हैं। शनि देव का ऐसा करना रावण को अपना अपमान लगा, इसीलिए रावण शनि देव के ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शनि देव को कई सालों तक अपने महल में बंदी बनाकर रखा था। और इसके बारे में आप लोगों ने कई सारी कथाओं में भी सुना होगा, रावण के नाम के पीछे की कहानी। दोस्तों, हम आपको ये तो बता ही चुके हैं कि रावण भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि रावण को उसका नाम भगवान शिव ने ही दिया था? हालांकि रावण को ये नाम किस वजह से मिला इसे लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं और इस कहानी के मुताबिक रावण के जन्म के समय उसका नाम दशानंद रखा गया था, पर जब रावण ने लंका पर अपना राज करना शुरू किया तो रावण ने अपने परम परमेश्वर भगवान शिव से मिलने गए। हालांकि जब रावण भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे। यही वजह थी कि जब रावण उनसे मिलने जा रहे थे तभी वहां रास्ते में रावण को नंदी मिले और उन्होंने रावण को भगवान शिव से मिलने से रोक दिया।
अब इस वजह से गुस्से में आकर रावण ने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वो काफी क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपना पैर कैलाश पर्वत पर टिका दिया। अब आप जानते हैं कि रावण चाहे जितना भी बड़ा बलशाली क्यों ना हो, भगवान शिव के आगे तो उसका बल कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान शिव के पैर टकराते ही रावण के दोनों हाथों की उंगलियां कैलाश पर्वत के नीचे दब गई। कहा जाता है कि उंगलियों के पर्वत के नीचे आने की वजह से रावण को इतना दर्द हुआ कि वह जोर जोर से चीखने लगा। रावण के मुख से निकली दर्द भरी चीख इतनी भयंकर थी जिससे पूरी धरती हिल गई, और यही कारण है कि भगवान शिव ने इसे रावण, जिसका मतलब होता है जोर से चिल्लाने वाला इंसान, का नाम दिया। हालांकि रावण का ये जो नामकरण है ये इतनी जल्दी नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान शिव के क्रोध के सामने रावण की पीड़ा कुछ भी नहीं थी। पर फिर भी रावण इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भी ठान लिया था कि भगवान शिव को खुश करके ही मानेंगे, इसीलिए रावण ने तांडव करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि कैलाश पर्वत से कुचली गई उंगलियों के दर्द को भूलकर जिस प्रकार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगा हुआ था, उसे देखकर भगवान शिव का मन पिघल गया, क्योंकि भगवान शिव तो वैसे ही बहुत भोले हैं जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ भी जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगा था तो भला भोलेनाथ कैसे क्रोधित हो सकते थे। वो रावण का ये प्रयास देखकर पिघल गए और फिर भगवान शिव ने रावण को अपना भक्त बना लिया। दोस्तों, रावण को वीणा बजाने में भी थी महारत। दोस्तों, महिलाओं में लोग ब्यूटी और ब्रेन के कॉम्बिनेशन को अक्सर ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके अंदर सुंदरता और समझदारी एक साथ होती है। ठीक उसी तरह आपको बहुत कम ऐसे पुरुष भी देखने को मिलेंगे जो ना सिर्फ बुद्धिमान हों बल्कि शक्तिशाली भी हों, और ये दोनों गुण तो रावण के अंदर थे ही। इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छे कलाकार भी थे। दोस्तों, रावण को वीणा बजाने की कला में महारत हासिल थी, और अगर आपने कभी रामायण को ध्यान से देखा हो तो आप ये बात जानते होंगे कि रावण की सेना के झंडे पर वीणा का चित्र बना हुआ होता है। इसके अलावा ऐसे कई सारे चित्र भी हैं जहां पर आपने रावण को वीणा बजाते हुए भी देखा होगा। कई पुरानी कथाओं में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि रावण को संगीत का बहुत शौक था और वो बहुत ही शानदार वीणा बजाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कई सारी कथाओं में ये भी सुनने को मिलता है कि रावण इतना मधुर वीणा बजाते थे कि देवी देवता भी उसकी वीणा की आवाज़ सुनकर प्रफुल्लित हो जाते थे, और इसका संगीत सुनने के लिए वो भी स्वर्ग से धरती पर आ जाते थे। ऐसा भी माना जाता है कि रोज रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति में लीन होकर वीणा बजाते थे। रावण का भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का एक बहुत ही अनोखा जरिया था, क्योंकि रावण ये बात जानता था कि जो संगीत से नज़दीक होता है वो ईश्वर के नज़दीक जरूर पहुंच जाता है। इसीलिए जब कभी भी रावण को भगवान शिव की आराधना करनी होती थी तो वे ध्यान तो करता ही था, पर उसके साथ पूरी तरह से भक्ति में लीन होकर घंटों वीणा भी बजाता था, ताकि उसकी वीणा की मधुर आवाज़ भगवान शिव तक पहुंचे और वो रावण से प्रसन्न हो जाए। रावण की पूजा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तो रावण को एक दुष्ट, पापी और असुर के तौर पर दिखाया जाता है। हालांकि कई सारी पुरानी कथाओं में ये भी बताया जाता है कि अगर रावण के अंदर का अहंकार खत्म हो जाता तो उससे ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष कोई भी नहीं था, लेकिन रावण के अहंकार ने उसका अंत कर दिया। और ये चीज आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा सुनते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि जैन धर्म शास्त्रों में भी रावण के कई सारी विशेषताएं और गुणों का उल्लेख किया गया है। जैन पुराण के मुताबिक आने वाले तस्करों में भगवान महावीर की तरह रावण को भी जगह मिलेगी। यहाँ तक कि कुछ जैन तीर्थ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ पर रावण की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं, और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि जैन धर्म के मुताबिक रावण एक शुद्ध ब्राह्मण और ज्ञानी पुरुष था। और हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि हर किसी को रावण की तरह ही बुद्धिमान, अपने इरादों में पक्का और बलशाली होना चाहिए। लेकिन रावण की सिर्फ एक आदत जो किसी को भी नहीं अपनानी चाहिए, वो है रावण का अहंकार, जो अगर रावण के अंदर ना होता तो आज धर्म शास्त्रों की पूरी कहानी ही पलट चुकी होती। बाकी आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों, और आपको रावण की ऐसी कौन सी क्वालिटी जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी, उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के रोमांचक वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।